राज चौधरी जी ने बताया ये बीजेपी का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम किस लिए आयोजित किया गया है, बीजेपी को संदेश अच्छा जाए, और बताया इस कार्यक्रम में विधायकों को काफी सहयोग रह रहा है। इसी के चलते यह भी कहा गया कि होली मिलन समारोह सबके मिलजुल कर रहने के लिए मनाया गया है। एवं ठाकुर तेजवीर सिंह ने यह भी बताया कि कार्यक्रम जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह के लिए रखा गया है, जिसमें यह बताया गया कि जनता तक यह आवाज पहुंचे कि भाजपा सरकार फिर से रिपटी हुई है, जिसके लिए कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम के चलते सुंदर सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए, जिसमें राधा कृष्ण एवं नृत्य कराया गया और हमारे विधायक पूरन प्रकाश शर्मा, रघुराज जी, ओम प्रकाश आदि लोग विधायक मौजूद रहे। मेरा नाम ठाकुर तेजवीर सिंह। आज का कार्यक्रम एक जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह रखा गया है, जो उत्तर प्रदेश में हमारी दोबारा सरकार रिपीट हुई है उस उपलक्ष्य में ये सम्मान कार्यक्रम रखा गया है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको ये सम्मान मंच पे जनता के सामने सम्मान करने के लिए प्रोग्राम रखा गया है। आपके द्वारा ये पहली बार कार्यक्रम किया गया क्या? नहीं, हमारे द्वारा ये पहली बार कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि नृत्य कार्यक्रम चल रहा है, चरकुला डांस चल रहे हैं और सभी लोग इन्वाइट किए हैं। इसमें 8-10 हज़ार आदमियों का ये प्रोग्राम किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है आम जनता तक ये संदेश जाए कि भाजपा सरकार रिपीट हुई है और सबके लिए कितना लाभ है, सबके लिए कितनी फायदेमंद सरकार है।